खरगोन जिले के बड़वा तहसील के ग्राम कदवालिया में रहवासियों ने आज बड़वा जनपद पंचायत पहुंचकर बड़वा जनपद सीईओ को प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में मतभेद का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है। ग्रामवासियों का आरोप है कि आवास योजना को लेकर जो सर्वे किया गया था उसमें ग्राम कद्दालिया की उपेक्षा की गई है, जिसे लेकर समस्त ग्रामवासियों में आक्रोशित होते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत कद्दालिया में सरपंच और सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में भेदभाव किया है। गांव के 70% मकान कच्चे हैं। ग्राम खोड़ी में 120 नाम जोड़े गए हैं, वह तो वहीं कद्दालिया में 15 से 20 ही नाम सर्वे सूची में आए हैं। सरपंच और सचिव के द्वारा मनमानी कर नाम जोड़े गए हैं। गाँववासियों ने सरपंच और सचिव पर मनमानी करने का आरोप लगाया है और बड़गांव जनपद पंचायत कार्यालय में पहुँच कर बड़गवा जनपद पंचायत सीईओ पवार से उचित जांच और कार्यवाही की मांग की है। बड़गवा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। कितने लोगों को लाभ मिला है अभी तक गांव में? अभी तक किसी लोगों को लाभ नहीं मिला है, सिर्फ 15 से 20 लोगों का नाम आया है और टोटल लिस्ट में 135 के लगभग नाम आए हैं। किसको ज्ञापन दिया तुमने? अभी हमने सीओ साहब को ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर क्या कहना है सीओ साहब का? ये कहना है कि अभी जब भी पोर्टल ओपन होगा तब नाम जोड़ा जाएगा। तो हमारा कहना यह है कि अगर पोर्टल 10 साल नहीं खुलता है तो 10 साल तक वेट करना पड़ेगा। जब अभी वर्षा होती है तो वर्षा में हमें सोने की जगह नहीं मिलती है, घर में सारे कच्चे मकान हैं, किसी घर टूटे भी हैं। उसके बाद भी सरपंच मंत्री को एक नहीं कई बार बताने के बाद भी हमारी रिक्वेस्ट नहीं ली जाती है और ना ही हमें कोई लाभ मिला है। अगर सुनवाई नहीं हुई तो क्या करोगे? सुनवाई नहीं हुई तो हम सीओ साहब को अभी हमने ज्ञापन सौंपा है, इसके आगे भी अगर हमें कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना होगा वहाँ भी जाएंगे और जहाँ भी ज्ञापन देना दे सकते हैं वहाँ पर जाएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। और हमारा कहना यह है कि सरपंच और सचिव के खिलाफ, ये वो ग्रामीण है जो समस्या लेके आए कि उनके पास उनके मकान वो कच्चे हैं, प्रधानमंत्री आवास की जो वरीयता सूची है उसमें उनके नाम नहीं आए हैं, जो सर्वे 2011 में हुआ था उससे संबंधित मामला है। ये बता रहे कि मकान कच्चे है, आवेदन मैंने प्राप्त किया है, संबंधित एडीओ को मैंने उसको परीक्षण के लिए दिया है और यदि इनके मकान वाकई में कच्चे हैं तो फिर आवास प्लस का जब भी पोर्टल खुलेगा उसमें का नाम जोड़ जाएगा। मतलब काम करने में पंचायत द्वारा लापरवाही बरती गई जिससे भेदभावपूर्ण काम दिखाया जा रहा है, तो सर इसमें जांच होगी? दरअसल क्या है, आवास प्रस्तुत अभी तो अपनी जो मूल वरीयता सूची है उसी की आवास अभी पूरे नहीं हुए हैं, उस पर कार्यवाही चल रही है, आवास बनते जा रहे हैं। अभी भी 2011-12 के सर्वे की सूची में कुछ नाम अभी बचे हुए हैं, ये वो नाम है जो तत्समय SECC सूची में कच्चा आवास होने के बावजूद भी छूट गए थे, उनको जोड़ने की कार्रवाई प्रचलित है और यह निरंतर जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।